मेरी कम्युनिटी में पहले ऐसा होता था कि जो गर्ल्स थी वो अगर पीरियड कभी भी आते थे तो ज्यादातर वो कपड़े का यूज करती थी और प्लस किसी को बताती नहीं थी। जो मेरे घर में खुद मैंने ऐसा देखा है, तो इससे पता है कितना है, बीमारी होती है लोगों को, कितना अनकंफर्टेबल रहता है, कितने ब्लड्स निकल जाते हैं। तो खुद मेरी सिस्टर आज वो इतनी मतलब आगे बढ़ चुकी है कि मेरे घर में खुद ऐसा कुछ होता है तो खुद कहती है कि जा ले आओ मेरे लिए, तो इतना प्राउड फील होता है, मैं खुद ला के देता हूँ उसको पैड वगैरह। पीरियड्स के ऊपर इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनको ये सब इसको लेकर के बहुत अवेयर रहना चाहिए क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां होती है, उनको पता होती है लेकिन वो लोग खुल के बता नहीं पाती। कुछ गर्ल्स होती हैं जो 12 साल की होती हैं और 14 साल की जब आती आते उनको जब होने लगता है तो उनको पता नहीं रहता कि ये क्या चीज़ है, उनके लिए नया होता है। तो इसलिए हम लोग इसको अवेयर करते हैं और कभी भी ये सब चीज़ की जब बताते हैं गर्ल्स को तो खुल के बताते हैं सारी चीज़ें क्योंकि ये सब नॉर्मल होता है, तो खुल के बताने भी चाहिए हम लोग को। और इसके लिए हम लोग को सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए और कभी भी अगर जाते हैं मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए तो उसके लिए भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि नॉर्मल चीज़ होती है और लेने के लिए हम लोग अपने लिए उसके लिए ले रहे हैं। जैसे कि वुमेंस को पता होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है, वैसे हम लोग को भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना जरूरी है। पहले होता था हमारी कम्युनिटी में कि जब पीरियड होते थे तो छुपाया जाता था, लोगों को नहीं बताया जाता था, प्लस उस पर्सन को एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता था कि वहां पर कोई आया जाए ना। तो ऐसा अब धीरे धीरे मतलब बहुत से चेंजेस आए हैं हमारी कम्युनिटी में, तो ऐसा अब नहीं होता है।